श्रीलंका की सियासत में उठापटक जारी है। दो धड़ों में बढ़ चुकी श्रीलंकाई सियासत ने चीन के खेल को खुला छूट दे दिया है। चीनी खेल का असर ये है कि श्रीलंका में हावी मौजूदा पार्टी चीन के लिए बैटिंग करते हुए दिखाई दे रही है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि संसद में निलंबन को हटाने का राष्ट्रपति का आदेश और उनके पास बहुमत साबित करने के लिए संख्याएं हैं। सबसे अचरज की बात तो ये है कि संसद के भंग होने पर जिस विक्रमसिंघे की पार्टी के मंत्री चीन द्वारा श्रीलंका में अरबों रुपए देकर सांसद खरीदने की बात कह रहे थे, राजपक्षे को पर्दे के पीछे चीन से मिल रहे समर्थन का दावा कर रहे थे, अपने बयान से यूटर्न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। रणिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि उन्हें अपनी बर्खास्तगी के पीछे कोई चीनी भागीदारी नहीं दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि पहले जब श्रीलंका में सियासी बवंडर उठा था, तब राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने 26 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे को बर्खास्त कर दिया था और 16 नवंबर तक संसद को निलंबित कर दिया था। लेकिन फिलहाल परिस्थिति बदली हुई दिखाई दे रही है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने संसद से निलंबन हटा दिया है और संसद में मीटिंग के लिए 5 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। हालांकि खबर है कि बहुमत परीक्षण 16 नवंबर को होगा। श्रीलंकाई संकट भारत के लिए चिंता की बात इसलिए भी थी क्योंकि राष्ट्रपति ने जिसे नए प्रधानमंत्री के तौर पर चुना था, उस राजपक्षे का बतौर राष्ट्रपति कार्यकाल चीन के प्रति अनुकूल था। उन्होंने भारत के साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत करने के बजाय चीन के साथ नई योजनाओं के लिए करार किया था। श्रीलंका में चीन के लिए कथित तौर पर जगह भी बनाई थी, लेकिन मौजूदा दौर के प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे हमेशा से भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि चीन के साथ उन्होंने भी संबंध मधुर करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें हमेशा ही भारत को नाराज नहीं करने की शर्त शामिल रही है। ऐसे में फिलहाल भारत तो वेट एंड वॉच की स्थिति में है और 5 तारीख का इंतजार कर रहा है कि श्रीलंका के संसद से नतीजा क्या निकलता है। लेकिन इतना जरूर है कि चीन के खेल से डरी हुई श्रीलंकाई सियासत चीन के खिलाफ कुछ भी बोलने को अब तैयार नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि चीन किसी भी वक्त कोई भी गंदी चाल चल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोस और शेयर कीजिए।